हमारे साथ वीर सिंह बौद्ध जी हैं, जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं हैं। वीर सिंह बौद्ध जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा। आपके बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, आप कैडर भी लेते हैं और भगवानों के ऊपर आपका तीखा प्रहार भी होता है, तो ये क्या है कि मतलब भगवान है या नहीं है, और भगवान है तो कहाँ से आया, इसके बारे में आप हमें बताएं। ये एक तरह से राजनीतिक इशू है जी, षड्यंत्रकारी इशू है जी, जो शासक वर्ग ने बहुजन समाज के सामने लाके खड़ा कर दिया है जी। ताकि बहुजन समाज मेन इशू जो उसके हैं जी, रोटी कपड़ा और मकान, सुख और शांति, समानता, है ना, इनके ऊपर उसका नज़र ही ना जाए, इनके ऊपर वो सोचे ही ना, इसके ऊपर वो बात ही ना करे, यानी कि इशू से उसको हटाने के लिए एक नॉन इशू पे पूरे बहुजन समाज का ध्यान केंद्रित कर दिया गया है, जिसको शासकों ने एक षड्यंत्र के तहत भगवान बना के पेश किया गया है। उदाहरण के लिए हम लें कि स्कूल में पहली क्लास से बीए तक, बारहवीं तक, बीए तक, फिर विश्वविद्यालय तक, किसी भी क्लास में, किसी भी विश्वविद्यालय में क्या भगवान कहीं पढ़ाया जा रहा है जी? है नहीं, वो दूसरी पढ़ाई जो सामाजिक, जो शासक वर्ग की बी टीम या ए टीम कह सकते हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर जा जाकर उनसे बाहर जी। तो दिमाग में वो बैठाया जा रहा है। इस वजह से तथागत बुद्ध खुद कह रहे हैं ये इशू ही नहीं है समाज का, इशू तो गरीबी है, शिक्षा है, रोजगार है, मकान है, हेल्थ है, इन पे चर्चा होनी चाहिए। और आप देखोगे कि घर में से लेके बाहर तक भगवान पे चर्चा हो रही है, ईश्वर पे चर्चा हो रही है। तथागत बुद्ध ने कहा कि अज्ञान ही सारी समस्याओं की जड़ है। राहुल शंकरत्यान कह रहे हैं कि अज्ञान का नाम ही भगवान है जी। ठीक है, जब अज्ञान का नाम ही भगवान है, इससे बड़ा प्रमाण जो राहुल शंकरत्यान दे रहे हैं कि भगवान का मतलब अज्ञान से है जी। और बुद्धा भी कह रहे हैं अज्ञान ही सारी समस्याओं की जड़ है, और बाबा साहब भी कह रहे हैं, उसी बात को डिटो कर रहे हैं कि शिक्षित बनो, यानी कि अज्ञान को मिटाओ। और तथागत का जो पहला ही स्टेप है, जिसको हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग का, जिसको कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, कि यदि आप बुद्धि से सही चीज को समझ ही नहीं पाए, यानी कि कन्फ्यूजन करने का जो हथियार है उसका नाम है भगवान, जो आपको कन्फ्यूज पैदा कर देगा, जो आपको भ्रम में डाल देगा, जो भी उसको मानेगा वो भ्रमित हो जाएगा, उसको अपनी शक्ति क्षमता पर विश्वास नहीं रहेगा, उस पर विश्वास हो जाएगा जो है या नहीं है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जी। धन्यवाद वीर सिंह जी, कितने अच्छे से वीर सिंह जी ने इसको पॉइंट करा है कि जो भगवान होता है, जिसको अपने भोजन का प्लान नहीं पता होता है कि उसको क्या खाना है, उनको अपने ड्रेस कोड का नहीं पता होता कि उनको क्या पहनना है, तो वो समाज का उद्धार और उत्थान कैसे कर सकता है, क्योंकि उनका जो निर्माण खुद करते हैं वो इंसान ही करता है, उनका जो खाने का प्लान होता है वो भी वही इंसान करता है, उनका पहनने का, उनका सुलाने का, उनको कंबल पहनाने उड़ाने सब चीज़ों का निर्माण जो करता है वो इंसान ही करता है। और जब इंसान ही एक काम करता है इंसान, तो सभी बुद्ध ने भी कहा था कि इंसान ही इंसान के काम आता है, ना कि भगवान इंसान के काम आता है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।